बसो ना ठीक रहने दो, तकलीफ मत दो, बसन दो, उजाड़ो नहीं। उसका किसी का घर तो रोकता, किसी की झोंपड़ी दरेड दी, किसी को कुछ करता, जुल्म की बात है, ये मत करो, बहुत नुजायद है। हाँ, रामदारी करो, शांति करो, ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये जुल्म है, किसी गरीब ने झोंपड़ी बनाई है वो त्रोड़ दी है, किसी ने मिर्च की है बर्बाद कर दी है, वो चंगा है बहुत बुरा है, ये जुल्म की बात है, ये मत करो। अभी हम रेका में हैं और रेका में रहने वाले जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सारे गुज्जर फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं और सदियों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। आज लगातार ये स्टोरीज़ हम करते आ रहे हैं और आज भी इन लोगों के द्वारा हमें यहाँ पे बुलाया गया और काफ़ी देर से हमें यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटा इनको यहाँ पे इंतज़ार भी करना पड़ा और काफ़ी देर से ये इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे हमारा। और यहाँ पे बार बार आने का एक मकसद है, आप देखेंगे तस्वीरों में, आपको खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की बातें की जाती हैं वो ग्राउंड लेवल तक, इन लोगों तक, गुज्जर फैमिली तक पहुंचती भी हैं या नहीं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और काफ़ी दिनों से एक चीज़ इनको काफ़ी परेशान किए जा रही है, वो है यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ पे इनके खेतों के अंदर जो इन्होंने लगाया हुआ उसमें बाजरा या कुछ भी जो इन्होंने खेतीबाड़ी कनक लगाई हुई है, वहाँ इनके खेतों में जो बोर्ड लगाए गए, इनको एतराज़ कुछ नहीं है। यहाँ पे हाई कोर्ट बन रहा है, अच्छी बात है, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, इनको एतराज़ इस बात का है कि कल को इनके घर ना छीन लिया जाए, इनकी ज़मीनें जिस पे ये काश्तकारी करते हैं वो ना छीन ली जाए। और काफ़ी दिनों से ये परेशान है और आज यहाँ पे ये इकट्ठा भी हुए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? जनाब, मेरी 3 पीढ़ियाँ रह गई हैं इतने, मेरा दादे की जगह है, मेरे प्यो की जगह है, मेरी जगह है जी। अभी मेरे को 70 साल मेरी उम्र हुई है, जब अंदाज़ा लगा लिया आप जी, कागज़ भी कुछ कह रहे हैं जी, हम कब की गदोड़ी है। हाईकोर्ट बनने से आप यहाँ पे खुश हैं, नाराज़ हैं क्या? नहीं जनाब, हम नाराज़ नहीं हैं, हमारा अब रोटी रोजी, ये बात ऐसे ना, कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट बना सकती है, हम भी खुश हैं, मगर बात ऐसे ना, हमारे लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। अभी इनको कम से कम हमारा भी प्लान सोचना चाहिए, इनको कहाँ, नहीं हम दूर थोड़े रह सकते हैं। अब देखिए तूड़ी पड़ी है, ये हम लोग लाते हैं मंडी से, हम लोग सवेरे 2 बजे जाते हैं, मतलब सब्जियाँ तारते हैं, वो पत्ते ले आके स्टैंप आते हैं, अच्छा उसके बाद हमारे पत्ते अपने हैं, उसके बाद हमारी कणक अपने आप हो जानी है डंगरों के लिए, हम लोग वो 12 रुपये किलो तूड़ी है जी, और 2 रुपये किराया लग जाता है, 12 रुपये उसका बोली भरने का देना पड़ता है, हम खुद नहीं भर सकते, किस लिए? उन्होंने आदमी जो रखे हैं वो कहते हैं भाई भरनी, हमने लेबर तुम्हारे लिए नहीं रख रजिस्ट करनी है, हमने ही भर के देनी है जी, 12 रुपये उसकी लग जाती है। तो जिस तरह से आपने कहा कि आप सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, 3-4 पीढ़ियाँ आपकी यहाँ पे गुजर चुकी हैं, बिल्कुल मेरे दादे के नाम के कागज हैं। आज से पहले भी आपको कभी ये चीज़ बताई गई कि ये फॉरेस्ट लैंड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जगह है? कुछ नहीं बताया जना, कुछ नहीं बताया, जैसे हम हमारे दादाजी बैठे थे ना वैसे वो मर गए, हम लोग बैठ गए, हमारे पिताजी बैठ गए, पिता के बाद वो वफात पा गए, हम लोग बैठ गए। आज से पहले आपको कभी भी इस तरह की परेशानी का सामना? कभी नहीं परेशानी हुई है ऐसा ना, अब जबरदस्ती साहब लाला अगर इधर को फटाफट बोर्ड लगाने शुरू कर दिया, कम से कम इनको बताना चाहिए, अब पीछे इनको फटाफट खेतों में, ये देखिए आप दरवाजे के सामने ये हमारे अंदर पेड़ है, इनको निशान लगे हुए हैं, अच्छा गार्डों ने निशान लगाने शुरू कर दिए, कम से कम बताना तो चाहिए ना जी भाई, इस चीज़ के निशान है, कोई चीज़ बन रही है, बिल्कुल नहीं बताया, फटाफट अच्छा फिर फटाफट जरानी है बोली भाई खबरदार बूटों को पेड़ नहीं लगाओ, बूटे सूख जाते हैं, इनको छिलो मत, अच्छा उसके बाद इन्होंने पर्चा लगा दिया जी, पर्चा लगाने के बाद साहब लाल को कोर्ट में उन्होंने उठा के थाने में फटाफट अंदर कर दी, अब बस इनको पूछो तो बस क्या कहते हैं, कहता है अभी मां तुम्हारी के खसम आने वाले हैं, खसम हम लोग हैं या ये पुलिस वाले हैं? सर, इससे पहले भी 1-2 दिन पहले मैं जब आया था यहाँ पे ना, कुछ ज़मीनें लोगों ने दिखाई थी कि ये ज़मीनें जो है फॉरेस्ट ने तारबंदी करके वो ज़मीनें ले ली थी, वो जनाब थल्ले थल्ले के ये नाल वो खंभे दिखाई दे रहे हैं, अब वहाँ से भी हमारे को खदेड़ा है, अब यहाँ से भी हमारे को खदेड़ रहे, वहाँ पे भी आप खेती बाड़ी की? हाँ बिल्कुल, खेती बाड़ी पूरे बने हुए हैं, पट्टियाँ बनी हुई हैं,
जी पट्टी बनी हुई है, मगर वो अब बिल्कुल सैंड से हम लोग बिल्कुल पानी ऊपर जा रहा है हमारा, हमारे को किसी का अब हम ये सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, अब इतने दिन से ये बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं जी, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं जी, हम लोग अब यहाँ अब वहाँ से हमारे को चढ़ाया अब इस पर पड़ गए, अब ये हम लोग कहाँ कित जाएंगा हम। सर जो नेता आपके पास आते हैं यहाँ पे, जो आश्वासन दे के जाते हैं, वादे करके जाते हैं आपसे, उन पे आप भरोसा कर सकते हैं? देखो जी पैंचों सरपंचों की बात है, सरपंच साहब वाले अगर दूई पार्टी ने टाफी दसी वो झोली च बह गए, अब उसकी पार्टी जी टाफी दसी तो दूई झोली च बह गए, मगर हमारे को वोट लेने के टाइम कहता जिताओ हमारे को सब कुछ कर देंगे, मगर कुछ नहीं किया। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं यहाँ पे, ये जो दिखा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको, ये डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं और इनका ये क्लेम है कि ये मतलब सदियों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? फरमान अली। फरमान जी आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सब हम 47 से पहले रह रहे हैं इधर, हमारा दादा भी इधर रह गया, फादर भी इधर रह गया, हम भी इधर रह रहे हैं। कागज देखो, देखो सामने कागज पड़े हैं आपके, हमने कोई बुक में पा गया रखा नहीं कुछ। तो ये आप उनको नहीं दिखाते हो जो यहाँ पे बोर्ड लगा के जाते हैं? बोर्ड लगा तो कौन देखता है, आर्मी आ जाती है, आर्मी से क्या करें, पुलिस आ जाती है जनाब, क्या कर सकते हैं हम जी। आर्मी बोलती है हाथ खड़े करो तो बुकल में क्या है, कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं, जमीन हमारी है, बोलते हैं जमीन हमारी है, क्या करें हम, बकरी वाले है, बकरी है, भैंस हैं, हमने कहाँ से मजदूरी कर करके फिर भी गंजे हो गए हैं, बोलते हैं जमीन मारी है, हम क्या करें। सर क्या नाम है आपका? गुलाम अली। गुलाम अली सर, एक तरफ कानून बनाए जा रहे हैं गुज्जर जो तबका है उसके लिए इतने सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, इतने हकूक की बात की जा रही है कि दिए जाएंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। ये ड्रामा होता है, जब जब मैं तुम आगे ना, मैं झूठ बोलूँगा या सच बोलूँगा, आपने तो ये नोट करना है। बिल्कुल समझे ना जी। वैसे करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं, वैसे सतियों को जैसे में रह रहे हैं वहाँ, जिनके पास थे पैसे उस वक्त, पहले तो पैसा कहाँ था, ये जंगल था, ये जंगल पुट के ना बुजुर्गों ने बनाया, आखिर किसने बैठाया इनको, अपनी मर्जी से नहीं बैठा ही है जी। उसके बाद ऐसा हो गया कि जिसके पास पैसे थे उसने मालकी करा ली, दो कनाल करा ली या कनाल करा ली, तो जो हमारा साथी था तो वो रह गया, बोलते गवर्नमेंट बोलती है ये हमारी जगह है जी। आज हम देखते हैं, आप देख रहे हैं कि कितने परेशान हैं, एक उधर से इलेक्शन का दौर भी है, दूसरा उधर से दूसरे वोट भी लगा रहे हैं, आप समझदार हैं आप तो ये जो नेता बार बार आपके पास आ जा रहे हैं तो ये जो आश्वासन आपको दे रहे हैं देते हैं, देखो ना इधर है ना, मैंने चाय इधर से पिए ना, जब मैं बाहर निकल गया तो चाय मेरी पच गई, चाय मेरा चाय का असर खत्म हो गया जी। अगर आप ही समझदार हैं, मैं थोड़ा मुलाजम था, मगर ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वैसे मैं बोल रहा हूँ ये बेइंसाफी हो रही है, ये इंसाफ होना चाहिए, गवर्नमेंट को सब पता है कि ये इनको पहले इनको नोटिस दिए थे कि मकान आपके ठाए जाएंगे। अच्छा नोटिस मिले थे आपको, ये कब की बात है? यहाँ इनको पूछो ना इनको। अच्छा दूसरा मैं थोड़ा ऊपर रहता हूँ जी। उसके बाद ये परेशानी बन गई, फिर ये तहसीलदार के पास, कभी जंगलात के पास, फिर जंगलात वालों ने ये तार जो थी ना घरों के अंदर लगा दी, बाहर लगाते तार थे अंदर तार लगाई, हम गरीब लोग हैं, 47 के भी मारे हैं उधर से, 1965 भी हमारे सुसाथ जो भी गुजरा कुछ भी है छोड़ो। उसके बाद ऐसा है कि ये हो रही है बेइंसाफी, सुने ना, अगर हम इसको बनाने में खुश हैं हाईकोर्ट बनने से हमारी जगह की डेवलपमेंट बनेगी, हमारा मरगे भग होगा, जो हमारे हम जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारी बकरियाँ हैं, जो हम जिम्मेदार लोग हैं, गायें हैं, भैंसे हैं, हमारा गुजरों का पेशा यही है, अगर जे मसार की बात है कि ये नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे, कोई कौन मुलाजम है हमारे में इतना मतलब कोई को कमा के लाएगा जी। माहे कोई लकड़ी लेके जाता है, कोई मंडी जाता है बेचारा, सुनो ना, तो शाम को मसा खाना भी नहीं, आपको पता महंगाई कहाँ जा रही है, 60 रुपये किलो आलू हैं, तो कहाँ कोई बना के लाएगा, कहाँ से मतलब आपको, आप तो समझ ही गए हैं जो बात है, मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए है कि इनकी जगह छोड़ कर जहाँ भी गवर्नमेंट की जगह है बनाओ, हम खुश हैं इस जगह में, बन जाए तो अच्छी है, मान बेटो हो जाए,
मतलब कि इस जगह की वैल्यू बनेगी, कुछ भी है मतलब कि ये है कि ज़बरदस्ती जरा नहीं करना चाहिए, मतलब जो जो इन्होंने खेती बनाई है इनको मत बर्बाद करो, इसमें मैं यही इतने कहना चाहता हूँ कि मतलब नहीं बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। क्या नाम है सर आपका? नूर हसन। नूर सर कब से, नूर हसन जी कब से रह रहे हो अभी रैका में? बस हमें जरा कितने साल हो गए, उम्र होगी जनाब, बूढ़ा हो गया। बूढ़े हो गए, हाँ। तो अब जो बोर्ड लग रहे हैं जमीनों पे, तो इस पे क्या कहेंगे? की कहेंगे, गवर्नमेंट लाया था के कहा झुपड़ी बना ची मारो तो क्या हमने बैठ नहीं देता, झुपड़ी थी वही पटेगा। और क्या नाम है सर आपको? मोहम्मद जवाहर नाम है। जवाहर भाई, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, उनके लिए ना फ्लैट्स बना के देने थे, जो सरकारें अभी रूल कर रही हैं, रूल कर रही हैं। सर कह रहे तो हैं, बनाए तो कुछ है नहीं, जो बने हुए थे जुगी जोड़ी झुपड़ी उसको भी उठा रहे हैं, डेली तंग कर रहे हैं, बच्चों को तंग कर रहे हैं, हम मजदूरी के लिए चले जाते हैं पीछे से बच्चों को तंग कर रहे हैं, कभी बोर्ड लगाते हैं कभी पर्चा लगा देते हैं, हम क्या करें सर, कहाँ जाएँ? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमको तंग मत करें, हम कहाँ जाएँगे? ऊपर से सर्दी आ रही है, बच्चे हैं, माल है, मलेशिया है, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है, ये कहाँ जाएंगे हम? हमारा बाप दादा यहाँ ही रह रहा था, तो अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? हमारी रिक्वेस्ट है अब गवर्नमेंट से कि हमें तंग मत करें, हमें बैठने दे, जहाँ बैठे हैं हमारे ये जो जो झोंपड़ी बनाई हुई है, जो मकान बनाए हैं, इनको मत तोड़ें, और जो ये खेती बाड़ी है थोड़ी थोड़ी हमारी, तो इसको हमें रहने दें, बाकी तो आप लोग ले गए हैं, गार्ड आ जाते हैं, औरत होती हैं उनको पूछते नहीं, बच्चे आते हैं, हम देखें वो बोर्ड लगा होता है शाम, फिर हम किसके पास जाएं? जब हम किस जाएं तो थाने में जाएं, किसी नेता के पास जाएं तो वो हम अंदर ठोक देते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो उम्र दराज ज़ईफ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत अरसा हो गया, इधर काफ़ी अरसा हो गया, कोई पंचवीं सातवीं आठवीं पीढ़ी है। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 90 साल। 90 साल उम्र है। तो आज से पहले भी आपको कभी इस तरह की परेशानी? कोई परेशानी है उस दिन की होगी, ये सच्ची मत करो, बड़ा जुल्म की बात है ये, आज समझे, बहुत मेहनत की है, इधर थोड़ी नहीं की है, बाल बच्चा है निका छिक्का, माल विदेशी है, कहाँ से गुजारा करेगा, हैं? तकलीफ हो रही है बहुत बड़ी जबरदस्त। चाचा सरकारें जो होती हैं ना, सरकारें, हाँ, वो मतलब लोगों के लिए होती हैं, लोगों, हाँ, के लिए होती हैं, लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, लोग सरकार के लिए नहीं होते हैं। जब यहाँ पे इतना लोग बस चुके हैं, रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, हाँ, तो ठीक है, बसो ना, ठीक रहने दो, तकलीफ मत दो, बसने दो, हजारो नहीं उसका, किसी का घर तो रोकता, किसी की झोंपड़ी रेड देती, किसी को कुछ करता, जुल्म की बात है, ये मत करो, बहुत नुजायद है, हाँ, रामदारी करो, शांति करो, ठीक हो जाएंगे, हाँ, ये जुल्म है, किसी गरीब ने झोंपड़ी बनाई है वो तोड़ दी है, किसी ने मेहनत की है बर्बाद कर दी है, वो चंगा है बहुत बुरा है, ये जुल्म की बात है, ये मत करो। चाचा ये जो सियासी सियासत वाले लोग आते हैं ना, ये जो बोलते हैं कि हम आपको यहाँ पे कुछ नहीं होने देंगे, आप हमें वोट दो, उनके लिए आपको वोट बड़े चाहिए, वोट वोट दिए, किसी ने फायदा नहीं दिया, बिंद फायदा नहीं दिया, और वोट वोट दिए राज्य के आज जगह भी, अब फायदा नहीं किसी ने दिया, हाँ बस। अभी बीजेपी की सरकार ने दिया ना फायदा, फॉरेस्ट राइट एक्ट ला के दिया, कोई नहीं, किसी ने नहीं दिया। तो ये सबसे ज़ईफ यहाँ पे 90 साल बुज़ुर्ग हैं, और इनका ये कहना है, इनको ये चीज़ समझ में आती है कि ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, और एक तरफ आप फॉरेस्ट राइट एक्ट देने की बात कर रहे हैं, इनको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो इस तरह से जो बसे बसाए घर हैं, जो सदियों से कहीं पर रह रहे हैं, और ये जो क्लेम कर रहे हैं जिस तरह से ये दादे परदादे लकड़दादे इनके यहाँ पे रहते थे, आज ये सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, और आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं, इनकी जो ज़मीनें जो इनके पास सदियों से हैं उनमें जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये इससे अलग नहीं है कि यहाँ पे हाई कोर्ट बने, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं उनको इसमें सफ़र ना करना पड़े, और यहाँ के आप तस्वीरों में देख सकते हैं जितने भी लोग हैं गुज्जर फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए जा रहे हैं, इनको एम्पावर किया जा रहा है, इनकी बहुत सारी पावरें इनको दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ
कहीं ना कहीं इनको जो है हरासमेंट का भी सामना करना पड़ रहा है, और इनका यही अपील है कि इनको जो है यहाँ से इस तरह से हरास ना किया जाए, इनको जो इनका जो हक है वो इनको दिया जाए। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ। बैग दे वो मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं बस कोई बात नहीं, हो गया। नहीं थोड़ा सा थोड़ा नीचे ऐसे कर, ना ना जमत कर लंबा जाने दे सर। हाँ जी ऐसे ले ना। मेहरबानी करो अब जनाब बोले जनाब आप मेरे दादा परदादे से हम लोग ठहरे हैं और ये बच्चे हैं बैसों के, अब इनके बकरी है बेड़े में, अब क्या करें, जाए तो जाए कहाँ, अब वहाँ से नीचे से हमारी जगह ले लिया, अब इसकी यहाँ से तो बिल्कुल साफ ही, कहाँ वो जाएंगे हम लोग गुर्दागर नहीं हो रही है। हमारे मुसलमानों के साथ ईमानदारी क्यों नहीं हो रही है? ये गुर्दागर जहाँ पे अभी बोर्ड लगा रहे थे, जहाँ पे अभी बोर्ड लगा के उन्होंने बोला इधर लगाओ, उधर कहाँ जाए हम? हाँ आज के थोड़े रह रहे हैं, 200 साल के रह रहे हैं इधर, आज के थोड़े रह रहे हैं हम, हमारे मुसलमानों के ना मुस्लिम के साथ क्यों हमारे साथ इंसाफ बेइंसाफी होती है हमारे साथ? आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, जब तक ये इतना हमारे साथ कहर हो रहा, इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। एक मिनट हमने बांधे हैं नीचे बकरियां, नीचे तो कोई नहीं है, मिनटों में कोई पुलिस नहीं आएगी, मगर इनके कहने के मिनटों में पुलिस आती है। ये देखिए जी कणक बोई है, अब इसमें हम लोग पत्ते पुत्ते डाल के इस टाइम खिलाते हैं, उसके बाद ये कणक तैयार हो जाती है, और एक कणक से हम इनका पेट पालते हैं, अपना भी पेट पालते हैं, क्या करें, बहुत गरीब आदमी है, अब सदियों से रह रहे हैं यहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। इस टाइम वोटों के टाइम सारे स्वास्थ्य दे जाते हैं, पंच सरपंच तक दे जाते हैं, हाँ जी कुछ नहीं होगा, बाद में भाग जाते हैं बस। सब तो बड़ी अनु गाड़ा भी परेशानी है, और आया यहाँ के लोकल, और बस बस लियाओ पैसे, लियाओ पैसे, अब तुम्हारों का ऐसा कहना पैसे नहीं दोगे ऐसा बुंगा डालेंगे, अब नीचे से छोड़ के तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे, अब क्या करें जी, हमारे कहने पर तो पुलिस आती नहीं है, मगर इनको कहने में मिनटों में आती है, कहने की सारी जगह लगी, अब ये जुगी ऐसा आ गई, नहीं नहीं जुगी नहीं पकड़ी, ये मुर्गों में मारो जा रहा है, बस हो गया, हो गया सारा, हो गया उन पत्थर पानी नहीं देते, अब इतने गाड़ फ्लैट हो गई, जब वो कहते नहीं पैसे दो इन्हें पत्थर के भी पैसे कोई नहीं, मगर हम लोग मंडी से इन्हें भैंसों के लिए मंडी से पत्ते पुत्ते लेके आ जाते हैं मंडी से, हम सीधी के थोड़े नजदीक है तभी, अब हम कहाँ जाएं, गरीब आदमी ऊपर जाने के हमारा गुजारा नहीं, कहीं भी हम गुजारा कर नहीं सकते,
काफी पोजीशन दवाओ घर के बिचा में Mm-hmm.